अरबपति नाई की कहानी सुनी है आपने। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत में करीब 140 बिलियनर्स यानी अरबपति हैं, पर उसमें से एक अरबपति ऐसे हैं जिनसे चाके भी आपकी नजर नहीं हटेगी। नमस्कार, आइए आज आपको हम सुनाते हैं कहानी रमेश बाबू की। लोगों को अक्सर लगता है कि पैसे बनाने के लिए पैसे ही चाहिए होते हैं, पर ऐसा नहीं है। पैसे बनाने के लिए हिम्मत, दिमाग और जिगर चाहिए रिस्क लेने का। पैसा तो आ ही जाता है मेहनत से। 7 साल की उम्र में अपने पिताजी को खोने के बाद बैंगलोर के रमेश बाबू और उनके परिवार ने काफी कठिनाई सही। वो मुंह में चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए थे। उनकी माँ ने घर घर जाके काम किया। रमेश बाबू ने भी 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ के अपने पिताजी की नाई की दुकान संभालना शुरू किया और अपने रोज की जरूरतों को पूरा किया। स्कूल छोड़ते ही उन्होंने अपने पापा की दुकान को संभाल लिया, जो अभी तक उनके चाचा जी संभाल रहे थे। उन्होंने जो थोड़ी बहुत सेविंग्स यानी बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल करके अपने पापा की नाई की दुकान को रेनोवेट किया और उसे नया नाम दिया, इनर स्पेस। उन्हें खुद बाल काटने नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने 2 लोगों को नौकरी पे रखा। लेकिन बिजनेस करना इतना आसान थोड़ी ना होता है। उन्हें शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें हुई, जैसे कि उनके एम्प्लॉयज़ काम पे नहीं आते थे, जिसकी वजह से वो बिजनेस खोते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ बहुत अलग हुआ। पर वो यही नहीं रुके, अपनी हर मुश्किल को उन्होंने एक मौके में बदल दिया और देश भर में अरबपति नाई के नाम से मशहूर हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ना, ऐसा क्या हुआ अब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। अरे हाँ हाँ, बता रही हूँ आगे की कहानी, धैर्य रखिए। एक दिन एक कस्टमर यानी ग्राहक आया उनकी नाई की दुकान पे और उनके कर्मचारी एज यूजुअल नहीं आए थे। तो उन्होंने कस्टमर को बोला कि उन्हें बाल काटने नहीं आते, पर उस कस्टमर ने बोला कि आप कोशिश तो कीजिए। तो रमेश बाबू ने उनके बाल काट दिए। उनके कस्टमर को वो स्टाइल इतना अच्छा लगा कि कस्टमर नॉर्मल प्राइस से दुगने पैसे देके गए। और बस फिर क्या था, फिर रमेश बाबू ने खुद बाल काटने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनका इतना नाम हो गया कि उनके सलोन के बाहर लाइन लगती थी और कई बार उन्हें सुबह 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक बाल काटने पड़ते थे। जिस कस्टमर ने उनकी ये मदद की, वो आज भी रमेश बाबू से ही अपने बाल कटवाते हैं। अपने नेचुरल टैलेंट को उभरने के लिए उन्होंने कई हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज भी किए। वो टोनी एंड गाय का कोर्स करने सिंगापुर भी गए थे। इसे कहते हैं मेहनत का फल मिलना। 1993 में उन्हें लगा कि उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है ताकि उनका परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। पर कहते हैं ना कि समय खराब हो तो दिमाग भी चलना बंद हो जाता है, तो रमेश बाबू के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। 1994 में उनके चाचा जी ने एक गाड़ी खरीदी और उनसे मुकाबला करने के चक्कर में रमेश ने भी लोन लेके एक मारुति ओमनी खरीद ली। आगे चल के वो लोन नहीं चुका पा रहे थे। तब उनकी माँ एक नंदिनी जी के यहाँ काम करती थी, जिन्हें वो नंदिनी अक्का बोलते थे। उन्होंने रमेश बाबू को आइडिया दिया कि वो गाड़ी को किराए पे दे सकते हैं। और बस फिर तो क्या था, इस एक छोटे से एडवाइस ने यानी मशवरे ने रमेश जी को एक कामयाब इंसान बना दिया। जब उन्होंने ये कार रेंटल बिजनेस शुरू किया तो उस समय ड्राइवर इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, तो उन्होंने खुद ही गाड़ी चलाना शुरू करा। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता चला गया। 2000 टू 2004 के बीच रमेश को मर्सिडीज ने अप्रोच किया एक मॉडल कार खरीदने के लिए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, पर उनके फर्स्ट मूवर एडवांटेज था क्योंकि उस टाइम कोई और ये नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी सेविंग्स एंड लोन का इस्तेमाल करके मर्सिडीज खरीदी और किस्मत से बिजनेस ने बूम किया और कुछ साल बाद उन्होंने अपना दूसरा मर्सिडीज मॉडल खरीदा। यही नहीं,
फिर 2011 में उन्होंने 3.5 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदी। इस परचेस के साथ वो लगभग बैंकरप्ट हो गए थे। इसके लिए उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रख दी थी। सब ने उन्हें बोला कि वापस बेच दो, पर उन्होंने किसी तरह 1.5 साल निकाला और फाइनली फिर सक्सेसफुल हो गए। वो रोल्स रॉयस को 50,000 रुपीज पर डे पे किराए पे देते थे। रनिंग अ बिजनेस लाइक आर्स कैन बी स्कैरी व्हेन थिंग्स कम टू अ सडन हॉल्ट। इन 2011 आई बॉट माई रोल्स रॉयस। इट वॉज एक्सपेंसिव एंड द गवर्नमेंट लेवीड हैवी टैक्सेस। आई वॉज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट एंड इवन मॉर्टगेज माई वाइफ्स ज्वेलरी। पीपल टोल्ड मी टू सेल द कार, बट आई केप्ट ट्राइंग एंड 1.5 ईयर्स लेटर आई फाइनली मैनेज टू सक्सीड अगेन। आज की तारीख में अपने सलोन के बिजनेस के साथ रमेश बाबू रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी बिजनेस करते हैं। उनके पास 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसमें 120 लग्जरी कार्स हैं। उनका गाड़ियों का कलेक्शन इनोवा और BMW से शुरू हुआ था और आज में रोल्स रॉयस गोस्ट से लेके मर्सिडीज मेबाक तक काफी धमाकेदार और लग्जूरियस कार्स हैं। एक अरबपति होने के बावजूद वो आज भी अपना आधा दिन अपने सलोन में बैठते हैं और 150 रुपए में लोगों के बाल काटते हैं। वो मानते हैं कि कुछ भी हो, ये नाई की दुकान ही उनका मेन बिजनेस है और इसे वो कभी नहीं छोड़ेंगे। बात करें उनके सपनों की, तो अब उनका सपना है एक स्ट्रेच लिमोजीन खरीदना, जिसकी कीमत आज के समय में 8 करोड़ रुपए है। रमेश बाबू काफी लोगों के रोल मॉडल हैं और वो एक चीज कहते हैं जो मुझे काफी ढांसू लगती है, कि डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क ही लाइफ की वो कैंची है जिससे आप अपने सक्सेस की स्टाइलिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आप भी अपनी कैंची के साथ तैयार हैं अपनी लाइफ की स्टाइलिंग करने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप लो इन्वेस्टमेंट्स के साथ कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहा आई आइकॉन क्लिक करें और कमेंट्स में बताओ कि आप अगले वीडियोस में क्या देखना पसंद करोगे। नमस्कार।